क्या आपने कभी परमेश्वर से दूरी को महसूस किया है? क्या आप आत्मिकता में बढ़ने के लिए जूझ रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य नहीं कर रहा है और आप बहुत निराश हैं? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि आप एक आत्मिक सूखापन से गुजर रहे हैं। भजन संहिता उसका 63:1 आयत में इस तरह कहता है, वे परमेश्वर को सूखी और निर्जल भूमि पर ढूंढता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मिक सूखापन का बहुत कारण हो सकता है, तो आइए आज हम इस वीडियो के द्वारा उस सूखापन के कारण को जानेंगे और हम सीखेंगे कि ये सूखापन से हम लोग कैसे जयवंत हो सकते हैं। सभी को त्रिएक परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। आत्मिक सूखापन का कारण, पहला, कभी कभी हमारे निजी पापों के वजह से आत्मिक सूखापन हमारे जीवन में आता है। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है और हमारे अंदर एक गिल्टी फीलिंग्स लाता है। पाप हमें हमारे मांस के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन करता है। दोस्तों, ऐसे वक्त में हमें परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगने के लिए सीखना है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका वचन 8 और 9 आयत में इस तरह से कहता है, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो आपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। दोस्तों, आत्मिक सुखापन हमारे जीवन में जो हमारे प्रभु का आनंद है उसको छीन लेता है। इसीलिए दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर इस तरह कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। Psalms 51:12। आत्मिक सुखापन का कारण दूसरा, लोग अपने शारीरिक, मानसिक या भाव की बातों के कारण और दर्द के वजह से आत्मिक सुखापन को महसूस करता है। जब हम किसी बीमार और परिस्थिति से होकर गुजरते हैं तो हम परमेश्वर से कभी कभी बहुत दूर महसूस करते हैं। कुछ लोग तो परमेश्वर से बहुत सारे प्रश्न भी करने लगते हैं। जब एलिया ने बाल के नबियों को हराया, वे रानी इजेबेल से डर कर भागने लगा। वे पूरी रीति से शारीरिक, मानसिक और इमोशनली परेशानी होकर दुख में था। वे मरना चाहता था, जिसको हम पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 1-5 आयत तक पढ़ते हैं। परंतु उस समय परमेश्वर एलिया को चलाया और उसे एक नई दिशा दिखाया। कभी कभी परमेश्वर हमें एक ऐसी मोड़ पर लाता है जहां से कोई राह नजर नहीं आता, परंतु परमेश्वर उसी समय हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य करता है। जैसे हम इजराइल के जीवन में देखते हैं, जब इजरायली लाल सागर के पास आए और आकर सोच रहे थे कि यहाँ से तो अभी कोई राह नहीं है, उसी समय परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भाग कर वहाँ से रास्ता निकाला। दोस्तों, अभी हम देखें कि इन कारण के कारण कैसे हमारे जीवन में आत्मिक सूखापन आता है। अभी हम देखेंगे कि ये आत्मिक सूखापन से हम कैसे जयवंत हो सकते हैं। पहला, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा इस आत्मिक सूखापन से जयवंत हो सकते हैं। दूसरा तिमोथियुस उसका 3:16-17 आयत में इस तरह कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दोस्तों, परमेश्वर का वचन से ही हमें शक्ति मिलता है और वचन से ही हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता, अनुग्रह और प्रेम की शिक्षा मिलता है, और वचन ही हमें अभिषेक के बारे में भी बताता है। यूहन्ना 17:17। और इसी वचन से ही हम आत्मिक सुखापन को दूर कर सकते हैं और आत्मिक सुखापन से जयवंत हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक सुखापन से जयवंत होने के लिए दूसरा रास्ता जो है वो है प्रार्थना। यिर्मयाह 29:13 आयत में इस तरह लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण मन से
मेरे पास आओगे। और मत्ती का 7:7 में भी लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। दोस्तों, प्रार्थना हमारे मसीही जीवन के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है, और इसी प्रार्थना के द्वारा हम आत्मिक सुखापन को दूर कर सकते हैं। और जब हम आत्मिक सुखापन से गुजर रहे होते हैं प्रियजन, हमें और भी अधिक से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम इससे और जितने भी परेशानी है उससे शक्ति प्राप्त कर हम और भी आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर में। आत्मिक सुखापन से जयवंत होने के लिए तीसरा जो उपाय है वो है एक दूसरे के साथ, विश्वासियों के साथ सहभागी होना। हम पुराने कलीसिया को देखते हैं, जब हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, हम जानते हैं वहाँ पर पुराने कलीसिया के विश्वासी लोग कैसे एक दूसरे के साथ सहभागी होकर समय व्यतीत करते थे। और ग्रीक वर्ड कोइनोनिया सहभागी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ ना केवल सहभागी होना है बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, एक दूसरे के साथ एक अच्छा संपर्क और अच्छा रिश्ता बनाना, एक सच्ची रिश्ता बनाना को दर्शाता है। और ऐसे सहभागी होकर हम लोग हमारे जीवन से बहुत सारे ऐसे सूखापन को दूर कर सकते हैं, हमारे परेशानी को दूर कर सकते हैं। हालांकि अभी हमारे जो सिचुएशन है सहभागी होने के लिए हमें अलाउ नहीं करता है, परंतु दोस्तों हम लोग ऐसे बहुत सारे मीडियम जो दिया है, उस मीडियम के द्वारा हम लोग एक दूसरे के साथ, विश्वासियों के साथ सहभागी हो सकते हैं। वचन को हम सीख सकते हैं, प्रार्थना में हम लोग और भी अधिक समय दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मीडियम हैं, हम लोग यूटिलाइज करना है और एक दूसरे के साथ सहभागी होना है, हमारे जीवन से बातों को बताना है और दूसरे को बातों को सुनना है। ऐसे करके हम लोग सहभागी होकर हमारे जीवन में आत्मिक सुखापन को दूर कर सकते हैं। भजन संहिता 13:1 उसका 1-2 में इस तरह से लिखा है, यहाँ पर दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखौड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? यहाँ पर हम देखते हैं कैसे दाऊद भी आत्मिक सुखापन से गुजर रहा था, और उस समय दाऊद ने इस वचन में उस बात को व्यक्त किया है। और हम देखेंगे उसका 5-6 वचन कैसे दाऊद ने इस सुखापन को दूर किया और उस पर जयवंत प्राप्त किया। उसका 5-6 वचन में इस तरह दाऊद कहता है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, मैं यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। दोस्तों हम देखते हैं 5-6 वचन में दाऊद कहता है कि कैसे वो परमेश्वर के करुणा पर भरोसा रखा, कैसे वो परमेश्वर में आनंद करने के लिए ठान लिया, वे परमेश्वर को भलाई को स्मरण किया। इसी रीति से दाऊद ने उस आत्मिक सुखापन को दूर किया। दोस्तों यीशु ने भी कहा था, मैं दिया हुआ पानी जो कोई पीता है वे कभी प्यासा प्यासी नहीं होगा, John 4:14। वे लिविंग वाटर जो हम यीशु से प्राप्त करते हैं हमारे आत्मिक सुखापन दूर कर सकता है। हम उसी पानी से हमारे जो आत्मिक सुखापन है उसमें जयवंत हो सकते हैं। मेरे प्रियजन, मनुष्य होने के नाते ये जो आत्मिक सुखापन है हमारे जीवन में एक बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट सभी लोग एक्सपीरियंस करता है, परंतु कैसे हम इससे ओवरकम, कैसे जयवंत हो सकते हैं वो सबसे बड़ी बात है। हम आज देखें कि कैसे हम इस आत्मिक सुखापन से दूर हो सकते हैं और जयवंत प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, वचन पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और एक दूसरे के साथ सहभागी होइए और यीशु मसीह के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रहे, जैसे हम यूहन्ना 15 में पढ़ते हैं, एक अच्छा रिश्ता यीशु मसीह के साथ बनाए रहे, तभी हम ये आत्मिक सुखापन से दूर हो सकते हैं और आत्मिक सुखापन से जयवंत हो सकते हैं। प्रभु सभी को आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड।